तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी को स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट इश्यू, जिसको हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज ऐसा एक मुद्दा है, बेसिकली एक संस्थान है जिसका ग्रामीण जो भारत है उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है भारत में। दोस्तों उसका नाम है, आप सबने सुना होगा, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण भारत है, उसके डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इसमें का इस संस्था का बहुत योगदान है। आप में से अधिकांश ने इसको देखा होगा। इसका मैं कई सारे बताऊंगा, कौन सा इसका फंड है, कैसे ये प्रोग्राम करता है, कैसे डेवलपमेंट किया इसने, सब कुछ आज दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट प्लस ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दोनों काम करता है। देखो दोस्तों, जो भारत में ग्रामीण डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। गांव में अधिकांश कार्य जो है ना, लोग है ना, वो अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप करते हो तो ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ये दोनों को अलग नहीं देख सकते। रूरल डेवलपमेंट कोई अलग चीज नहीं, वो बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जब तक एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगी तब तक रूरल डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। तो ये नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या, व्हाट इज नाबार्ड, इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और ग्रामीण भारत के डेवलपमेंट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में जानेंगे। इसके कई प्रोग्राम है, एक बहुत फेमस प्रोग्राम है जिसको पूरी दुनिया में तारीफ हुई है, वो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं अभी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो इसका SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड बैंक में ऐसा कोई संस्था नहीं जिसकी इसकी तारीफ नहीं हो। दुनिया के कई देशों में इसकी कॉपी की गई है, ये SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं सब हम हमारे मुद्दे की तरफ। अब पहली बात कि करंट अफेयर में सर आपने नाबार्ड कहाँ से लिया है, तो इसका क्या करंट अफेयर है? तो दोस्तों आपको शायद नहीं मालूम, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ना वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और आज कितनी तारीख है, आज है 12 जुलाई 2023। तो आज इसका फाउंडेशन डे है, आज इसका क्या है, फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है दोस्तों। अभी मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा, ये न्यूज आप देख सकते हैं, 42nd फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड, क्या नाबार्ड का 42nd फाउंडेशन डे, जिस पर एक प्रोग्राम होगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, और कौन प्रेजेंट रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे। तो ये अमित शाह जी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम हो रहा है नाबार्ड का, किस उपलक्ष्य में, 42nd फाउंडेशन डे। तो इसलिए ये न्यूज में था दोस्तों, और कोई रीजन नहीं इसके न्यूज में रहने का, बेसिकली इसका आज जो 12 जुलाई को फाउंडेशन डे है तो इसलिए ये न्यूज में था। अब हम बढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में डिटेल में जानने में। सबसे पहले तो आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो इसके नाम में स्पष्ट है, दो काम करेगा, एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम करेगा, एक रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करेगा। ये दो काम इसका करेंगे, और बेसिकली इसके नाम में बैंक लग रहा है। तो आप लोग कई कंफ्यूजन होते हैं कि ये बैंक है क्या, तो मैंने पहले भी बता दिया, नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, नाबार्ड इज नॉट ए बैंक। ये क्या है, बैंक नहीं है दोस्तों। फिर क्या है, देखो बैंक किसे कहते हैं, मैंने हजार बार बता रखा है, बैंक हर वो संस्था जो डिपॉजिट ले पब्लिक से और लोन दे। आपने आज दिन तक कहीं नाबार्ड का ऑफिस देखा क्या? आपको नाबार्ड का ऑफिस दिखेगा नहीं, नाबार्ड का ऑफिस नहीं होते, केवल एक रीजनल ऑफिस होता है पूरे राजस्थान में, जयपुर में, और वो भी ऐसे छिप के रख रखा है, पता नहीं भगवानी मालिक है। मुझे एक बार काम पड़ गया कुछ, तो मैंने ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला यहाँ सी स्कीम में। तो नाबार्ड के कोई ऑफिस नहीं होता इनका, तो एक जो हेड ऑफिस है वो तो मुंबई में, कुछ रीजनल ऑफिस नहीं स्टेट की कैपिटल में, बाकी इनके कोई ऑफिस नहीं है। नया कोई बैंक अकाउंट खुलता, नया कोई पैसा डिपॉजिट होता, तो जो डिपॉजिट नहीं ले सकता वो बैंक नहीं होता। तो सर फिर इनको क्या मजा है कि इनके नाम में बैंक घुसेड़ दिया। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं। क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक का एक कंसेप्ट होता है दुनिया भर में। डेवलपमेंट बैंक में कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं पूरे कंट्री लेवल पर, जो एक सेक्टर विशेष का डेवलपमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं, सेक्टर विशेष के डेवलपमेंट का काम करते हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है, तो ये हाउसिंग सेक्टर के डेवलपमेंट का काम करता है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का काम करता है। एक्जिम बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट का काम करता है। ऐसे दोस्तों ये नाबार्ड, ये भारत में क्या करता है, ये भारत में एग्रीकल्चर और ग्रामीण भारत में जो रूरल डेवलपमेंट के काम करता है। तो ये बैंक नहीं है बेसिकली, ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं। ये इनको एक और नाम दिया जाता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे वित्तीय संस्थान है जो पूरे भारत में काम करते हैं। देखो नाबार्ड का जो क्षेत्र है ना, पूरा इंडिया है,
पूरे इंडिया में ये काम करता है आईफाई, तो ऐसे 5 संस्थाओं को भारत में क्या दर्जा है, आईफाई का दर्जा रहेगा? ये पूरे फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं और पूरे इंडिया में करते हैं, तो नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएसबी हो गया, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इस तो आप समझ जाओगे कि ये बैंक नहीं है, ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं और इनका एरिया पूरे इंडिया में होता है, इनको आईफाई भी कहते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसा एक है नाबार्ड। अब नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव तो आप और हमें सब समझ के कि क्या है, एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, एक रूरल डेवलपमेंट करना। तो दोस्तों सारा डेवलपमेंट मैंने बता रखा था आपको, कोई भी सेक्टर का डेवलपमेंट करना है तो ऐसा नहीं कि भाई कृषि क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो नाबार्ड का मैनेजर जाके वहां पर खेती करेगा किसान की जगह, नहीं, वो खेती तो किसान ही करेगा। डेवलपमेंट करने का सीधा सा मतलब होता है उसको क्रेडिट दो, सस्ता लोन पे दो, सस्ते दाम पे उसको पैसा अवेलेबल कराओ, क्रेडिट दो, लोन दो। अगर अब किसान के पास सस्ते दाम पर लोन अवेलेबल हो जाएगा तो वो खुद ही अपना डेवलपमेंट कर लेगा। तो जब भी हम कहते हैं ना इस सेक्टर का डेवलपमेंट का काम ये संस्था करती है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस सेक्टर को वो लोन अवेलेबल कराती है, क्रेडिट अवेलेबल कराती है, ताकि वो जिसको क्रेडिट मिल रहा है वो खुद अपना डेवलपमेंट कर सके। ऐसा नहीं फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है तो फिर नाबार्ड का मैनेजर जाके वहाँ पर कोड़ी हल चला रहा है, ऐसा नहीं होता। केवल लोन दिलाने का काम करता है। तो कैसे करता है एक बार देखते हैं। ये नाबार्ड देखो मैंने बताया दिया, ये डायरेक्ट काम नहीं करता, नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाबार्ड के सबसे पहले तो नाबार्ड की स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होती है, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट भारत सरकार का पूरा इसका 100% ओनर कौन है, भारत सरकार है। भारत सरकार ने नाबार्ड बना दिया, पार्लियामेंट ने बेसिकली नाबार्ड एक्ट पास किया था, नाबार्ड एक्ट 1981 पास किया था, उसके तहत 12 जुलाई 1982 को ये स्थापना हुई। बेसिकली एक आरबीआई ने एक शिव रमन कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने क्या किया था, शिव रमन कमेटी बनाई थी। ये शिव रमन कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो ग्रामीण एरिया में क्रेडिट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्रेडिट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे ये ग्रामीण जो एरिया है, किसान है, उनको जो क्रेडिट है, लोन है, कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, ये कमेटी बैठाई 1979 में, शिव रमन कमेटी, इन्होंने कुछ रिकमेंड किया, इन्होंने कहा कि भाई एक जो इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए एक अलग से संस्था बना दिया जाए जिसका नाम दिया जाए नाबार्ड। तो इसी की पालना में पार्लियामेंट ने नाबार्ड एक्ट पास किया 1981 में, और ये संस्था 12 जुलाई 1982 को स्थापना होगी। ये कैसे काम करता है दोस्तों, ये डायरेक्ट काम नहीं करता है, मैंने बताया था कल भी, गवर्नमेंट ने नाबार्ड बना दिया, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा ये मार्केट से बोरो भी कर लेते हैं, बाजार से बोरो भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये आगे पैसा देते हैं किसको, बैंक को, जो ग्रामीण एरिया में कोई बैंक काम कर रहा उसको देंगे, कोई एनबीएफसी होती है प्राइवेट कंपनी उसको ये लोन देंगे, फिर आगे ये बैंक उस पैसे को किसान को, फार्मर, रूरल डेवलपमेंट हो तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे कुटीर उद्योग चलते हैं, उनको ये आगे लोन पास कर देते हैं। तो एक तरह से क्या करते हैं, रीफाइनेंस करते हैं, फाइनेंस नहीं, रीफाइनेंस करते हैं ये बैंक को, बैंक फिर आगे पब्लिक को या किसानों को लोन देते हैं। तो ये मॉडल इनका काम करता है, इनके पास ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट का आता है, कुछ पैसा ये मार्केट से बोरो कर लेते हैं और फिर आगे इसको क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये इस प्रकार से नाबार्ड काम करता है। तो नाबार्ड जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक का, जैसे कि आरआरबीए इनको पैसा देता है, फिर आगे वो पैसा किसानों के पास पहुंच जाता है और उसी काम में इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नाबार्ड के बारे में समझने में तो आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म आपको याद होगी होगी अब तक, तो देख सकते हैं दोस्तों, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म तो हमको रटनी लेनी। एक आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, मैंने बताया था 1979 में, ये कमेटी का नाम याद रखना, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना हुई, तो शिव रमन साहब थे, एन शिव रमन, ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो योजना है वो हुआ करता था उस टाइम पर, उसके मेंबर थे। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, कमेटी का भी नाम याद रखना, क्रेपी कार्ड। इस कमेटी की फुल फॉर्म भी अगर आपको याद दे सके तो रखना, क्रेपी कार्ड करके ये कमेटी थी, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो इसका कमेटी का उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उनमें जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है जैसे बैंक का, ये कैसे बढ़ाया जाए। आप लोग जानते हो कि गाँव में पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, ज़्यादातर जो लोन पैसा उधार के लिए सेठ साहूकार जो जमींदार बोराजी पटेल होते थे उन पर डिपेंड करते थे। अब वो रुपये कितने ब्याज लेते थे, 3 रुपये सैकड़ा 36%, और आज बैंक लोन देता है 8% पर, 4% पर, किसान क्रेडिट कार्ड में 4% पर ब्याज मिलता है। वो जो गांव का सूदखोर होते थे, मारवाड़ी सेठ, ये सूदखोरी का तो काम करते थे, 36% न्यूनतम इंटरेस्ट पर लोन दिया करते थे। तो ये इसी को रोकने के लिए कमेटी बनाई थी, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, मतलब कोई संस्था बैंक वगैरह लोन दे फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्रेपी कार्ड करके 1979 में बनाए थे, जिसके अध्यक्ष थे शिव रमन साहब। इस शिव रमन साहब ने क्या किया, रिकमेंड किया कि भाई एक अलग से बैंकों को क्या करो, ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए अलग से संस्था बनाओ, जिसको नाबार्ड नाम दिया। तो पार्लियामेंट ने नाबार्ड एक्ट पास किया,
और 12 जुलाई इसका क्या हो गया, फाउंडेशन डे हो गया। इसका 100% ओनर भारत सरकार है। कौन है मालिक? नाबार्ड का मालिक कौन है? भारत सरकार है। भारत सरकार का मैं और स्पेसिफिक बात करूं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी के अंडर में ये नाबार्ड आता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है अधिकांश के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनेंस का सारा काम वहाँ होता है। अधिकांश बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में, जितने भी जो शेयर मार्केट वगैरह सब कहाँ है? मुंबई में। इवन ये नाबार्ड भी कहाँ है? मुंबई में। तो ये ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन है शाहजी केवी, शाहजी केवी। लेटेस्ट 2022 के शायद एंड में इनको बनाया गया था, शाहजी केवी। नाम याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वर्तमान में नाबार्ड का चेयरमैन कौन है। एग्रीकल्चर, अब इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मैंने सीधा सा बता दिया। ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, बैंक को पैसा देगा, और फिर बैंक आगे उसको पैसा देंगे। साथ में क्या होगा? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो ग्रामीण लोगों में जो किसान है उनके लिए खाते खुलवाएगा, उनको लोन देगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो अपना हो जाएगा, वित्तीय समावेशन। साथ में दोस्तों ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मैंने बताया था RRB, और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनका सुपरवाइज करता है। इसको ये काम दे रखा है, बेसिकली RBI ने ये काम इनको पकड़ा रखा है कि भाई तुम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी, उनको सुपरवाइज करो, उनका इंस्पेक्शन करो और रिपोर्टिंग हमको करो। साथ में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, क्योंकि ये सब ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करते हैं, इसलिए इनका सुपरवाइजिंग करने का काम किसको दे रखा है? इनके सुपरवाइजिंग करने का काम इसको नाबार्ड को दे रखा है। हालांकि ओवरऑल जो रेगुलेटर हुए ना, वो RBI दोस्तों, RBI ही RRB को लाइसेंस देगा, सब देगा। मैंने जब RRB पढ़ाया था तभी डिटेल में समझाया था। अब ये अपने दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो क्या है इसका, जो इसके पास मतलब दो चीजें, इसके दो प्रोग्राम बहुत फेमस है, हम देखेंगे डिटेल में। एक तो इसके पास फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये RIDF दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने फिर बाद में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अलग से फंड बना दो, तो एक ये RIDF करके 1995-96 में एक फंड बना दिया, और जिसको मैनेज कौन करता है? मैनेज नाबार्ड करता है। और इसमें भारत सरकार ने क्या किया? बजट से पैसा दिया। भाई नाबार्ड कब अच्छे से काम करेगा? आपने उसको सब पावर दे दी, ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट बढ़ाओ, लेकिन उसके पास पैसा है नहीं तो कैसे करेगा? तो नाबार्ड को पैसा देने के लिए क्या किया? नाबार्ड में एक फंड बना दिया, जिसका नाम दिया RIDF। नाम से स्पष्ट है ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को डेवलपमेंट के लिए पैसा देगा। तो ये RIDF करके संस्था बना, फंड बना दिया, और जिसको जिसको मैनेज कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। अब नाबार्ड इस फंड में जो पैसा आएगा उसको वो आगे लोन में देगा, वो क्षेत्र ग्रामीण बैंक को दे सकता है, वो कोऑपरेटिव बैंक को दे सकता है, वो नेशनलाइज बैंकों को दे सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दे सकता है। नाबार्ड कई बार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है ताकि वो भी क्या करे, ये ग्रामीण विकास के काम करे। ठीक है, बात यहाँ तक। इसमें पैसा कहाँ से आया? इसमें कुछ तो पैसा बजट से आया, और कुछ पैसा इसमें आता है PSL शॉर्ट पार से। अभी मैं बताऊंगा PSL शॉर्ट पोल क्या होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सुना? PSL के बारे में सुना गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सपोज करो ये बैंक है, ये बैंक के पास 120 रुपए डिपॉजिट में आए, ठीक है, इसमें से 20 रुपए इसने CRR और SLR के रूप में रख दिया। अब ये कितना रुपए लोन देगा? 100 रुपए। तो अगर बैंक लोन देगा तो बैंक हमेशा बड़े बिजनेसमैन को, अंबानी अडानी टाइप के लोगों को लोन देना चाहेगा। गांव में गरीब किसान है, मजदूर है, या फिर कोई छोटे लघु कुटीर उद्योग, उनको थोड़े लोन देना पसंद करेगा, ये नहीं देना पसंद करेगा। तो फिर RBI ने गाइडलाइन बनाई, कंसेप्ट बनाया PSL का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि भाई अगर आप 100 रुपए लोन देते हो तो उसका कुछ परसेंटेज हम कहेंगे उसी सेक्टर को देना पड़ेगा। ये इसका रूल प्रेजेंट टाइम 40% है। मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो तो उसमें से 40 जो रुपए का लोन, वो एग्रीकल्चर सेक्टर, वो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, हाउसिंग वगैरह, चाहे वो क्या वो और कहीं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो, ऐसे जो भी RBI सेक्टर बताएगा, लिस्ट देगा, उस लिस्ट को आपको 40% रुपए लोन देना पड़ेगा। ये इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। हर बैंक को ये कंसेप्ट मानना पड़ता है दोस्तों। इवन RRB इनमें तो ये 75% तक है, लेकिन जनरल अधिकांश बैंक के लिए 40% है। अभी हम PSL नहीं पढ़ रहे, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये PSL का कंसेप्ट है। तो इस बैंक को कितने रुपए प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करना था? 40 करोड़ करना था। बस सपोज करो इसने नहीं किया, कोई बैंक बदमाश तो होते हैं, इसने 38 करोड़ ही किया। तो ये दोस्तों ये 2 करोड़ बच गया ना, कम किया, ये 2 करोड़ रुपए इस बैंक के जाएंगे, इस बैंक से लेके RIDF में जमा होंगे। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल हुआ ना, कमी हुई, वो पैसा
नाबार्ड के आरआईडीए जो फंड है उसमें जमा हो जाता है। अब यहाँ से फिर ये नाबार्ड इसको आगे लोन में देगा, सीधा कंसेप्ट है, इसमें कोई वो दोराई नहीं है। बाद में इसको कुछ ब्याज मिलेगा, हालांकि ये पैसा है ना जो ये 2 करोड़ रुपये ये केवल नाबार्ड के पास परमानेंट नहीं देता, बाद में 10-20 साल बाद जब ये पैसा वापस लोन का वापस लौट के आएगा तो ये बैंक को लौट दिया जाता है, लेकिन तब तक के लिए तो पैसा अटक गया। तो ये कंसेप्ट होता है पीएसएल शॉर्टफॉल का। तो यहाँ से भी दोस्तों पैसा आता है ये आरआईडीएफ में। तो आरआईडीएफ का देख सकते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1996 में भारत सरकार ने 1995-96 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिएट किया। गवर्नमेंट ने इसको कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा इसके पास कहाँ से आता है, पीएसएल शॉर्टफॉल से आता है। पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की कमी होती है ना बैंकों की, वो पैसा आरआईडीएफ में जमा करना पड़ता है, नहीं तो उसको फिर बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक दोस्तों मैंने बताया था रिजर्व बैंक जो नाबार्ड का एक प्रोग्राम है सेल एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी स्टडी की गई दोस्तों, पूरी दुनिया में कई देशों में इस जो नाबार्ड का ये प्रोग्राम है एसबीएलपी इसकी स्टडी की गई है। काफ़ी वर्ल्ड बैंक हो चाहे कोई भी संस्था हो सब ने इसकी बहुत तारीफ करी गई है। और भारत के स्पेशली ग्रामीण भारत में गरीबी को जो पॉवर्टी रिडक्शन में इस प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया है। आप में से कई लोग अभी इसको समझ नहीं होंगे है क्या एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो आप लोगों ने योजना पढ़ी डे एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या फिर राजस्थान में चलती राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका, या फिर एक शहरों में चलती है डे एनुलम, पढ़ी योजना। इन योजना में क्या करते हैं, इन योजनाओं में ग्रुप बनाते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रुप बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम यही है, ये सब जो योजनाएं बाद में चली है इसकी प्रेरणा सब यहीं से मिली है नाबार्ड के एसबीएलपी प्रोग्राम से। थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे जो एसएचजी है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ग्रुप तो देखे होंगे आपने गांव में कई सारी 10-20 औरतें मिलके, या सिटी में भी 10-20 औरतें मिलके ग्रुप बना लेती है, माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति ऐसे बना लेती, नहीं बना लेती क्या, और अचार पापड़ वगैरह बनाती है। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बैंक लिंकेज प्रोग्राम। देखो नाबार्ड ने ये देखा और नाबार्ड ने पूरी दुनिया में मोटा मोटी इसके समर्थन में है कि ये कोई गांव है, सब कोई विलेज है एबीसी, इस विलेज में ये एक गरीब औरत रहती है, दो रहती है, तीन रहती है, चार रहती है, पांच रहती है, छह रहती है, दस रहती है, ऐसे कई सारी गरीब औरतें रहती होगी, कुछ आदमी भी रह सकते हैं। तो अब बताओ ये एक इंडिविजुअल औरत जिसके दिन की 200-300-400 रुपये इनकम है, 200 रुपये इनकम है, ये कभी कोई कारोबार कभी कोई बिजनेस कुछ भी कर सकती है, अकेले कभी भी नहीं कर सकती, न इससे कभी कोई कारोबार होगा न कुछ होगा, ये बस गरीबी रह सकती है। तो फिर क्या तरीका अपनाया जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि गाँव में गरीबी दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। तो एक तरीका ये ढूंढा गया कि भाई ऐसे है ना 10 से 20 महिलाओं का क्या करो, ये 10 से 20 महिला, एक महिला कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसी 10 से 20 महिलाओं को मिलाओ और उनका एक ग्रुप बनाओ जिसको कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोस्तों इसमें सामान्यतः महिला होती है लेकिन पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसे कोई मना नहीं कि पुरुष नहीं होंगे, कई जगह पुरुष भी है। तो पर इसको प्रायोरिटी महिलाओं को दी जाती है। तो 10 से 20 महिलाओं को मिला के क्या बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, सपोर्ट करो। इन्होंने कोई एसएचजी बना लिया, सपोर्ट करो कुछ भी नाम से, एक्स वाई जेड नाम से ये बना लिया। अब क्या करो, इन 10-20 जो ग्रुप का नाम से बैंक में अकाउंट खोलो। अब देखो अगर ये अकेली महिला थी जो गांव में मजदूरी कर देती, ये बैंक में अकाउंट खोलना चाहती तो बैंक इसका अकाउंट कभी नहीं खोलता। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 95-2000 के दशक की बात है, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके नहीं आई थी। आप लोगों ने अगर आज को 15 साल पहले सरकारी बैंक को तो खाते खोलते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अकाउंट खोलते थे, अगर किसी ने खुलाने का प्रयास किया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि गारंटर लग गया हो दो जिसका वो बैंक ब्रांच में खाता हो, तो बैंक ब्रांच में कहाँ ढूंढ के लाओ उसको, तो ये बैंक अकाउंट नहीं खोलते थे। तो इस गरीब महिला का 20 साल पहले कोई बैंक अकाउंट खोलता नहीं खोलता, लेकिन 10 से 20 महिला एक ग्रुप बन गई। अब ये ग्रुप टाइप हो गया, तो ये ग्रुप टाइप हो गया तो अब बैंक अकाउंट खुलाना ईजी होगा, और साथ में फिर गवर्नमेंट इसकी मदद करेगी, गवर्नमेंट टारगेट देगी बैंकों को, भाई इतने एसएचजी को आपको बैंक अकाउंट खोलना कंपलसरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाबार्ड इसको प्रमोट कर रहा था, नाबार्ड मतलब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही थी, तो ये बैंक अकाउंट में खोलेंगे। अब ये दोस्तों ये खुद क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे, जैसे कि हर महीना हो सकता है एक महिला 500 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये जितनी भी इसकी संभावना सब सेविंग करेंगे उस बैंक में, इसमें डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनका थोड़ा सा एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो जाएगा, इस पैसे से ये आपस में उधार भी दे सकते हैं, किसी एक को जरूरत है तो उसको पैसा उधार दे सकते हैं। तो एक इनका ये सिस्टम डेवलप हो गया। अब गवर्नमेंट के लिए ईजी है, गवर्नमेंट के लिए ईजी कैसे, अभी 10-20 बैंक जो इसको क्या कर बैंक से जोड़ दिया, अब इनको क्या करो, ये 10-20 महिला है इनको ट्रेनिंग दो, सपोज को ये अचार पापड़ बड़े बना लेती है, तो पापड़ की इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दिए और इनको फिर बैंक से क्या कराओ लोन दिलाओ, लोन दिलाओ ताकि ये पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर सके,
पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर सके। तो इस प्रकार से ग्रामीण भारत में कई बिजनेस शुरू किए गए, कोई पापड़ बनाने का, मुझे याद है मेरे गांव में ना ऐसे ग्रुप बनाए गए, उनसे टेंट खुलवाया गया था, लोन दिए कि आप टेंट की टेंट हाउस खोल लो। ऐसे कई जगह पर कार वगैरह जो जीप होती थी पुराने जमाने में, जीपें लोन में दिलाई थी। तो ये SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, इसके तहत कई बड़ी बड़ी गाँव में छोटे लघु कुटीर उद्योग खोले गए, कईयों ने बड़ी सफलता हासिल करी बाद में जाके भविष्य में। जैसे एक लिज्जत पापड़ होता है, नाम सुना होगा, ये लिज्जत पापड़ भी बेसिकली कहीं ना कहीं SHG के रूप में स्टार्ट हुआ था, और कई लोगों ने इसमें है ना पूरे इंडिया में नाम कराया, बड़े बड़े SHG खुले बाद में इन्होंने जो ग्रोथ करके। तो ये पूरा मॉडल था SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का। ये अब यहाँ 10 से 20 एक दूसरे गारंटी ले रहे, इसलिए बैंक को लोन देने में भी आसानी रहेगी, एक आदमी जाते एक और जाते उसको लोन नहीं देते। तो ये पूरा मॉडल था दोस्तों SBLP SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का। ये ऐसा ही काम आज की डेट में डे एनुअलम वगैरह में होता है, लेकिन बेसिकली इसकी शुरुआत नाबार्ड ने 1992 में करी थी और काफी हद तक सफल रहा। कई लोगों कई अच्छे अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, कुछ बंद भी हुए कुछ फेल भी हुए, इसमें कोई दुराई नहीं है। देखो 100 शुरू होते हैं तो हो सकता है 50 बंद हुए हो, लेकिन कई लोगों ने अच्छा काम किया और ग्रामीण भारत में जो गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एडिक्शन करने में इस प्रोग्राम ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसको दुनिया में तारीफ हुई है, वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ करी है, 1992 में स्टार्ट किया था। इसमें क्या करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं बिल्कुल है, जिसके पास कोई कागज नहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे को क्या करते हैं फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में लेके आते हैं। और इससे क्या होगा, इससे वित्तीय समावेशन नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी बैंक खाते नहीं खुलाए, बैंक से लोन नहीं लिया, उन लोगों के यहाँ पर बैंक में अकाउंट खुल रहे हैं, लोन मिल रहा है बैंकों से, तो देश में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों नाबार्ड का हमारा टॉपिक आज यही समाप्त होता है, कल हम मिलेंगे डेली इकोनॉमी न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।